बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद अली एंड आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की इस नई वीडियो में हम विज़िट करेंगे ब्रांड न्यू 7 मरला कॉर्नर कैटेगरी डिज़ाइनर हाउस का। ये घर सेल के लिए अवेलेबल है, कैश पे इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। लोकेशन है पहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी एंड डायमेंशन हैं 30x55। जैसा कि आप सबको मैंने बताया है कि खास बात ये कॉर्नर कैटेगरी हाउस है। डबल गेट है, डबल कार पोर्च है और दोनों पोर्शन की एक्सेस बिल्कुल सेपरेट दी गई है। इसके अलावा आपकी प्राइवेसी का मसला नहीं होगा, प्लस आपकी वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी होगी। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और इसकी जो प्रॉपर्टी आईडी है वो मैंने मैसेज कर दी डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे कॉन्टैक्ट करके आईडी लाजमी इन्फॉर्म करनी है। सो अब चलते हैं, आप सबको मैं इसका कॉर्नर का व्यू करवा देता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये आप इसका कॉर्नर का व्यू देख रहे हैं। पहले तो साइड पर देख सकते हैं कि सारा ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन एरिया है, जो कि घर की खूबसूरती में काफ़ी हद तक इजाफा कर रहा है। और ये इसका साइड व्यू है, काफ़ी अच्छी विंडोज़ हैं, काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इसका। और इसके अलावा इसका डबल गेट है, डबल कार पोर्च है, आपको हर चीज़ डिटेल से मैं डिस्क्राइब कर दूंगा वीडियो में। तो अब चलते हैं, इसका फुल विज़िट कंटिन्यू करते हैं। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका गेट का डिज़ाइन है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अमेजिंगली गेट को डिज़ाइन किया गया है। और ये फुल मेटेलिक गेट है, ये गेट हमारे पास कम्प्लीटली स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ अवेलेबल है और ये हमारे पास इसका ओपनेबल डोर है। कार रैंप पे आप देख सकते हैं कि टाइलिंग की गई है। नॉर्मली कुछ घरों में टफ टाइल इस्तेमाल की जाती है, बट एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई है, काफ़ी अच्छा इसका लुक इन्हेंस हो रहा है। और ये हमारे पास आ गया इसका इलेक्ट्रिक मीटर, 3 फेज मीटर है, ग्रीन एरिया फुल डेवलप्ड है, फुल रेडी है, आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। घर के अंदर मूव करते हैं और कम्प्लीट विज़िट कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, घर के अंदर आप जो ही इंटर होते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका इंप्रेशन पड़ता है कार पोर्च को दिखते साथ ही, बिकॉज कार पोर्च की डिज़ाइनिंग और इसकी फिनिशिंग काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की है। वॉल लिश में फैंसी स्टोन टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और सामने वॉल पे कंप्लीट वुडन वर्क है। ये हमारे सामने मेन एंट्रेंस आप देख रहे हैं। राइट साइड पे भी इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी खूबसूरत तरीके से की गई है, काफ़ी अच्छा इसका लुक इन्हेंस हो रहा है। ये है इसकी जी टाइल फ्लोरिंग। कार पार्किंग कैपेसिटी यहाँ पर एक गाड़ी की है और दूसरे कार पोर्च में आपकी दूसरी गाड़ी इजिली एट अ टाइम पार्क हो सकती है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक अवेलेबल है, पानी की मोटर भी फिक्स्ड है। और इसके बाद हम घर के अंदर मूव करते हैं, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे घर का कम्प्लीट विजिट करवा दूँगा। तो पहले आप देख लें मेन डोर, डबल डोर है, फुल सॉलिड डोर है और काफ़ी हैवी डोर है। जी तो हम आ चुके हैं घर के अंदर, अब आपको मैं इसका मैप समझा देता हूँ। ये छोटी सी हमारे पास एक एंट्रेंस लॉबी है और ये लॉबी हमें कनेक्ट कर रही है ड्राइंग रूम के साथ भी, और यहीं से हमें लॉबी एक्सेस दे रही है मेन लिविंग एरिया की तरफ भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ड्राइंग रूम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि डबल वेंटिलेशन विंडोज़ हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर सनलाइट भी आ रही है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मेन वॉल है, इस पर फैंसी वॉलपेपर का इस्तेमाल हुआ हुआ है, काफ़ी डिसेंट वॉलपेपर है। और ये इसकी प्लेन टाइल्स हैं, वाइट कलर में है, स्कॉटिंग साथ मैचिंग में आ रही हैं। इसके अलावा लाइटिंग कम्बिनेशन आप देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। SK कंपनी का सीलिंग फैन हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और कम्प्लीट वाइट कलर की सीलिंग डिज़ाइनिंग हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और ये आप देख लें कि एंट्रेंस डोर्स पे काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसकी फिनिशिंग की गई है, डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो ये हमारी लॉबी की टायरिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे फैंसी टायर का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे रूम के अंदर हमारे पास सिंपल प्लेन टायर्स हैं। तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं और ये आ गया जी हमारे पास हमारा फर्स्ट लिविंग एरिया। किचन हमारे पास ओपन है और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं इस फ्लोर प्लान की, तो अभी हम मौजूद हैं ग्राउंड पोर्शन में। ग्राउंड पोर्शन में हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, किचन, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम अवेलेबल है। पहले हम अपना किचन देख लेते हैं। सो किचन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया गया है, स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। यहाँ पर सनी ग्रे मार्बल की स्लैब्स हैं और हमारे पास यहाँ पे कुकिंग एरिया आप देख सकते हैं और इसमें हमारे पास HS कंपनी का हुड एंड स्टोव इंस्टॉल है। वॉल पे कम्प्लीटली फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल हुआ हुआ है, बाकी हमारे पास डॉलेंस कंपनी की अप्लायंसेस इंस्टॉल है। वेंटिलेशन विंडो है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल एग्जॉस्ट फैन भी है। अब अगेन आप सब देख लें फर्स्ट टीवी लाउंज को। ये है जी हमारी मेन वॉल, इस पे फैंसी वॉलपेपर है, काफ़ी ज़बरदस्त एंड आउटस्टैंडिंग किस्म का इसका लुक इन्हेंस हो रहा है। बाकी हमारे पास यहाँ पे AC की फुल वायरिंग हुई भी है। दिस इज़ द मेन LED पॉइंट, वुडन वर्क अगेन आउटस्टैंडिंग है। अब हम आते हैं सीलिंग की तरफ, तो शैंडलियर काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग हुई भी है, काफ़ी खूबसूरत लुक इसका इन्हेंस हो रहा है। डबल SK कंपनी के सीलिंग फैन हमारे पास हैं, सीलिंग डिज़ाइनिंग काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की है।
तो यहाँ से हम टर्न करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ एंड हेयर वी हैव द फर्स्ट बेडरूम। और बेडरूम का साइज़ काफ़ी रिजनेबल है, काफ़ी अच्छा है, छोटा बेडरूम नहीं है, काफ़ी अच्छा बेडरूम है ये। बस ये है कि अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली किसी भी किस्म के वॉलपेपर का आप एड ऑन कर सकते हैं। बाकी थीम काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर लाइटिंग हुई हुई है। और ये आप देख लें, हमारा छोटा सा ड्रेसिंग एरिया है, इसकी वार्डरोब्स, और ये आ गया जी हमारे पास इसका अटैच बाथरूम। अब वेंटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा हमारे पास आप एक कंसील्ड कमोड है, आप देख सकते हैं कि ये वॉल के अंदर फिक्स्ड है। बाकी यहाँ पे हमारे पास आ गया जी शॉवर एरिया। टाइलिंग आप देखें, क्रोम काफ़ी प्यारा लग रहा है, टाइलिंग फुल्ली ऊपर तक अटैच्ड है वॉल तक। वेंटिलेशन के लिए हमारे पास इस वॉशरूम में दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक और बात ऐड करता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिस्टम है ये इंस्टॉल्ड है, ये आपके मोबाइल नंबर पर एक्टिवेट होगा। तो अगेन आप सब अब इस बेडरूम के एंगल से रिव्यू कर लें। एक्चुअली आप सबको हर एंगल से रिव्यू करवाने का पर्पज़ ये होता है कि हाउस मैप और हाउस प्लान के बारे में तफसीलात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड बेडरूम वॉलपेपर आप देख लें, काफ़ी डिसेंट किस्म का वॉलपेपर है, ज़्यादा ओवर नहीं है, बहुत रीज़नेबल है, बहुत डिसेंट है, और वॉल निश है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो है, और ये सेंट्रल पॉइंट पर हमारे पास यहाँ पे इसकी वार्डरोब्स हैं, थ्री डोर वार्डरोब, और ये वाइट कलर का एसके सीलिंग फैन। ये आ गया जी इसका अटैच बाथरूम, वाइट कलर की वेंटी है, कमोड भी वाइट कलर में है, और अगेन यहाँ पे भी टाइलिंग फुल ऊपर तक अटैच हुई हुई है। तो व्यूअर्स, आप सबको बताता चलूँ कि हमने ग्राउंड पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया है। ड्राइंग रूम विद अटैच बाथरूम, सॉरी ड्राइंग रूम है, बाथरूम अटैच नहीं है, और टू बेडरूम्स हैं अटैच बाथरूम के साथ, टीवी लाउंज है और किचन है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और सबसे अच्छा इसका एडवांटेज ये है कि ये कॉर्नर कैटेगरी का हाउस है। अब आप देखें कि अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं तो आपके दोनों पोर्शन बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं, आप इसको बासानी रेंट आउट कर सकते हैं, आपको किसी भी किस्म के एक्सपेंस पे करने की, पार्टीशनिंग का जो भी एक्सपेंस होगा वो पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके दोनों पोर्शन बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। चलते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले तो आप ये देख लें स्टोरेज स्पेस, ये आ गए जी हम सेकंड कार पोर्च में। कोई भी एक बड़ी गाड़ी या कोई भी एक छोटी गाड़ी इजीली एट अ टाइम यहाँ पार्क हो सकती है। आप डिज़ाइनिंग चेक कर लें, ये आप देखें डेकोरेशन काफ़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। हमारे पास यहाँ पे टैप्स दिए गए हैं, ये भी टैप है, अगर आपने यहाँ पे गाड़ी वॉश करनी है तो इसलिए आप गाड़ी वॉश कर सकते हैं। और छोटा सा एक स्टोर रूम टाइप एरिया यहाँ पे भी है, आप सामान रख सकते हैं। तो अगेन आप सब देख लें, सेकंड कार पोर्च जी हमारा ये, और हमें यहाँ से एक्सेस मिल रही है अपर पोर्शन की तरफ। तो ये आप देखें ऑन द स्टेयर्स हमारे पास कंप्लीट वॉल पे अट्रैक्टिव किस्म का वॉलपेपर है। अब हम मूव कर रहे हैं अपर पोर्शन की तरफ। तो अगेन ऑन द स्टेयर्स हमारे पास डेकोरेशन एरिया आ गया। पहले तो आप इसे ग्रिल्स देख लें, मेटेलिक ग्रिल्स हैं, ब्लैक एंड गोल्डन कलर का कम्बिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर डबल हाइटेड स्टेयर्स, ये देखें आप डिज़ाइनिंग, शैंडलियर काफ़ी प्यारा है, वॉल निश आप चेक कर सकते हैं, और ये टाइलिंग आप देख लें। मूव करते हैं मज़ीद नेक्स्ट, तो यहाँ से एक्सेस जा रही छत की तरफ, छत को भी देख लेंगे, और यहाँ से हमें एक्सेस मिल रही है फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो ये हमारा मेन रूम है, हमें एक्सेस इसकी यहाँ से भी मिल रही है और लाउंज से भी मिल रही है, दोनों तरफ से देख लेते हैं। ये आप देख लें जी, अब आप इसको एज अ गेस्ट रूम बना लें, ड्राइंग रूम बना लें, या आप चाहें तो बेडरूम बना लें, चॉइस आपकी है, क्योंकि इसका अटैच बाथ भी अवेलेबल है। अच्छी फिनिशिंग हुई भी है इसकी भी, और टाइलिंग अगेन फुली अटैच्ड है, लाइटिंग कम्बिनेशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं पहले मेन एंट्रेंस की तरफ। अब इसकी जो वार्डरोब है वो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है हमें डोर के बैक साइड पे, थ्री डोर वार्डरोब्स हैं फुली हाइटेड। तो अगेन आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ऑलरेडी हम विज़िट कर चुके हैं, आप चाहें तो इसको बेडरूम बना लें या ड्राइंग रूम बना लें, चॉइस आपकी अपनी है। एंड हेयर वी हैव द सेकेंड लिविंग एरिया, यानी कि सेकेंड टीवी लाउंज। ये जी हमारी मेन वॉल है, फैंसी वॉलपेपर के साथ अवेलेबल है, और वुडन वर्क काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी सॉलिड हुआ हुआ है। टायरिंग आप देख लें, स्कॉटिंग साथ मैचिंग में आ रही है,
और इसके साथ साथ हमारे पास आ गया जी हमारा ये सीलिंग डिज़ाइनिंग। अगेन द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट इज़ के शैंडलियर काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छी इसकी लाइटिंग है। अभी तो टेम्प्रेरी इसको कवर किया गया है, बट आप इसकी जब लाइटिंग चेक करेंगे ऑन ग्राउंड तो आई होप आपको पसंद आएगा। ये किचन आ गया जी हमारा सेकेंड। किचन का जो मेन थीम है वो वाइट कलर पे है। आप देख सकते हैं कि अपर कैबिनेट्स एंड लोअर कैबिनेट्स कम्प्लीटली वाइट कलर में है, सिर्फ एक ये जो एरिया है ये डार्क कलर में है। और यहाँ पे भी हमारे पास HS कंपनी का हुड एंड स्टोव इंस्टॉल्ड है। बाकी इस वॉल पे कंप्लीट फैंसी टाइलिंग हुई भी है। तो अगेन आप सब अब किचन के एंगल से इसको चेक कर सकते हैं। अकोमोडेशन वाइज काफ़ी ज़बरदस्त घर बना हुआ है, लोकेलिटी बहुत पीसफुल है, काफ़ी सिक्योर लोकेशन पे घर ही अवेलेबल है और इस घर के काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस मिलेंगे आपको। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आप देख लें कि हम लाइट सारी ऑफ कर देते हैं फिर भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे लाइट आ रही है। तो जब डे टाइम होगा तो मज़ीद अच्छी लाइट आएगी यहाँ पे सनलाइट, तो काफ़ी अच्छा आपको इसका इम्पैक्ट मिलेगा। एक तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी होगी, दूसरा ये कि आपको प्राइवेसी का मसला नहीं होगा, घर के साथ कोई घर नहीं है, ओपन एरिया है। और ये इसकी डिज़ाइनिंग आप चेक कर लें। कॉर्नर में हमारे पास है जी इसका बाथरूम। अब ये देख लें बाथरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है। अब इस बाथरूम में भी लाइट्स ऑफ है लेकिन फिर भी आपको अच्छी खासी लाइट देखने को मिल रही है। टाइलिंग कम्बिनेशन फुली हाइटेड है और वेंटिलेशन के लिए दोनों ऑप्शंस हैं। हाईली रिकमेंडेड हाउस है ये। आप इसको अपनी पर्सनल लिविंग के लिए भी अगर परचेज करते हैं तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है, अदरवाइज अगर आप एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो तब भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। और ये आ गया जी इस घर का लास्ट एंड फिफ्थ बेडरूम। अब ये भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त साइज़ का है, इसको आप नॉर्मली मास्टर साइज बेडरूम कह सकते हैं। हमारे पास इसकी मेन वॉल पे डिसेंट किस्म का वॉलपेपर है कंप्लीट वॉल पे, और डोर के बैक साइड पे वी हैव द वार्डरोब्स, थ्री डोर वार्डरोब्स। और टाइलिंग जो है वो प्लेन टाइल है वाइट कलर में, डबल वेंटिलेशन विंडोज़ है, सीलिंग डिज़ाइनिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है, एसी के पॉइंट्स, गैस के पॉइंट्स प्रॉपर दिए गए हैं। हमारे पास टेरेस भी यहीं पे है। उससे पहले आपको मैं वॉशरूम दिखा दूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, वाइट कलर की वेंटी है, कमोड वाइट कलर में है, फुल थीम इसका वाइट है और डिज़ाइनिंग फिनिशिंग काफ़ी आउटस्टैंडिंग हुई भी है। बाकी हमारे पास यहाँ पे शावर केबिन है, ये देख लें शावर एरिया की फुली पार्टीशनिंग है, फैंसी एसेसरीज़ हैं हमारे पास यहाँ पे, ग्लास पार्टीशनिंग हुई भी है और वेंटिलेशन के लिए दोनों ऑप्शंस हैं। तो अब मैं आप सबको इसका टेरेस भी दिखा देता हूँ। डबल डोर टेरेस का ये आप देखें टाइलिंग हुई भी है। बाकी जो लोकेलिटी का व्यू है वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी दिखा देता हूँ छत पे भी जाके भी, और आप जब ऑन ग्राउंड विजिट करने आएंगे तो आपको बेहतर तरीके से इसका आइडिया हो जाएगा जी। तो व्यूअर्स इसी के साथ साथ हमने इस ब्रांड न्यू 7 मरला कॉर्नर कैटेगरी हाउस के दोनों पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया है। 5 बेडरूम्स हैं अटैच पोर्शन के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम अवेलेबल है, डबल गेट है, डबल टेरेस है, डबल कार पोर्च है। एक टेरेस आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, दूसरा टेरेस हमारे पास इस साइड पे है, ओपनेबल है ये। और अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये जी आपका सेकंड टेरेस, गीज़र यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो अब हम चलते हैं छत की तरफ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके स्क्रीन पे मेंशन होगा, आप कॉन्टैक्ट करके घर के बारे में डिटेल ले सकते हैं, आपको इंशाल्लाह विजिट करवा दिया जाएगा और आपकी जो डील है वो डायरेक्ट फेस टू फेस ओनर के साथ करवाई जाएगी। छत का डोर है जी मेटालिक डोर, एंड हम आ चुके हैं छत पे यानी कि रूफ टॉप पे, छत की फ्लोरिंग है ये आप देख लें काफ़ी स्पेशियस छत है। सर्विंग क्वार्टर लॉक्ड है, आपको ऑन ग्राउंड विजिट करवाया जाएगा, ये पानी की टैंकी। तो विजिट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम मूव बैक करेंगे दोबारा से ग्राउंड पोर्शन की तरफ और आपके साथ में तमाम तर तफसीलात एक मरतबा फिर से शेयर कर देता हूँ जी। तो व्यूअर्स इसी के साथ साथ हमने इस ब्रांड न्यू 7 मरला कॉर्नर कैटेगरी डिज़ाइनर हाउस का विजिट कंप्लीट कर लिया है। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से कि ब्रांड न्यू हाउस है और 7 मरला का फुल डबल स्टोरी डबल यूनिट हाउस है। खास बात है कि कॉर्नर कैटेगरी का हाउस है,
इसमें आपको बेनिफिट ही मिलेगा, एक तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी होगी, इसके अलावा दोनों पोर्शन की एक्सेस बिल्कुल सेपरेट दी गई है, इसके अलावा आपको प्राइवेसी का मसला भी नहीं होगा। अकोमोडेशन की अगर हम बात करते हैं तो फुल 5 बेडरूम्स हैं अटैच पोर्शन के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम है, और इसके अलावा डबल गेट है, डबल कार पोर्च है, और दोनों पोर्शन की एक्सेस बिल्कुल सेपरेट से रखी गई है। तो ये घर सेल के लिए अवेलेबल है कैश पे, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। लोकेशन है पहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी, एंड जो डायमेंशन हैं वो है 30x55। टॉप राइटेड लोकेशन है, काफ़ी ज़बरदस्त पीसफुल एंड सिक्योर लोकेशन पे घर ही अवेलेबल है। इस घर की जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है, वो है 2,60,00,000 रुपीज़, 2,60,00,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है, बट ये नेगोशिएबल डिमांड है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके घर के बारे में डील कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो विजिट हमारा कंप्लीट हो गया, नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।